तो भाई आज भाई हम लोग भाई बात करने जा रहे हैं मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के ऊपर बहुत सारे मजेदार फैक्ट्स के बारे में। सो तो उन सब फैक्ट्स के अंदर भाई निजम भाई के भाई 7 साल के फ्यूचर प्लान वाले कॉन्फ्रेंस में बोले गए मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के बारे में हर इन्फॉर्मेशन के बारे में भाई बातें भी करेंगे हम लोग। प्लस भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के बारे में भाई बहुत सारे भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भाई हम लोग भाई आज जानने जा रहे हैं। तो वह लोग वीडियो भाई पूरा भी देख के जाना। सर मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 भाई मुंबई के पूरे कहानी के अंदर भाई अब तक का भाई सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 है मुंबई मूवी 2 चैप्टर के बाद का कहानी एज ए सीजन है ये। तो इस पूरे सीजन या फिर चैप्टर के कुल मिला के भाई कॉमिक में 26 इश्यूज और एनिमेशन में 26 एपिसोड्स होंगे। अभी तक वैसे मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 वही कॉमिक में रिलीज हुआ है उनमें से वही हमारे 22 इशूज वही रिलीज वही हो चुका है और वही 4 भी बचा है। तो निजम भाई भैया भी कॉन्फिडेंट है कि वही 2023 में ही वही मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का वही 3D एनिमेशन आ जाएगा। सो मेगा मोटर द मूवी रिलीज होने के बाद से ही वही मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के 3D एनिमेशन बनाने के वही काम पे वही लग जाएंगे निजम भैया की टीम। मीन्स 2023 में बीच में वही रिलीज हो जाएगा मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का 3D एनिमेशन के एपिसोड। चांस रहता है जून जुलाई के अंदर भी आ जाएगा। निजम भैया के द्वारा वही मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 वाले चैप्टर को भी वही बहुत सारे हिस्सों में वही या फिर एरक्स में वही तोड़ा गया है या फिर अलग अलग किया गया है। इशू 1 से लेकर या फिर एपिसोड 1 से लेकर इशू 6 तक या फिर एपिसोड 6 तक वही है मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का क्वाली एरक। इशू या फिर एपिसोड 7 से लेकर इशू या फिर एपिसोड 9 तक है मुंबई सॉरी एरक ऑफ मुंबई गैलेक्सी सीजन 2। इशू या फिर एपिसोड 10 से लेकर 14 तक वही है मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का विंडजाड़ा एरक। इशू या फिर एपिसोड 15 से लेकर 17 तक है गैंट एरक। इशू या फिर एपिसोड 18 से लेकर 21 तक है बराजू एरक ऑफ मुंबई गैलेक्सी सीजन 2। और वही इशू 22 से लेकर या फिर एपिसोड 22 से लेकर एपिसोड या फिर इशू 26 तक है गुरलातन एरक ऑफ मुंबई गैलेक्सी सीजन 2। तो एरक का मतलब होता है वे मिशन। तो मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 में भाई मुंबई के टीम के अलग अलग मिशन के ऊपर वही डिपेंड करके वही इन सब एरक्स को वही अलग अलग पार्ट में वही डिवाइड किया गया है। आई होप कि भाई तुम लोग को भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया है अबाउट मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के बारे में। तो भाई अब भाई जाते थोड़ा गंभीर में। तो भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के 3D एनिमेशन में भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के 3D एनिमेशन को भाई तोड़ा गया है ए और बी पार्ट में। तुम लोग भाई देख सकते हो। तो ए और बी पार्ट का भी मतलब क्या होता है मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 14 तक मीन्स एरक क्वाली एरक सॉरी एंड एरक विंडारा है पार्ट ए जो वाला पार्ट वे रिलीज होने जा रहा है 2023 में एज एनिमेशन वर्जन ऑफ मुंबई गैलेक्सी सीजन 2। और मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का पार्ट बी 3D एनिमेशन में रिलीज होने जा रहा है 2024 में एपिसोड 15 से लेकर एपिसोड 26 तक है द बी पार्ट ऑफ मुंबई गैलेक्सी सीजन 2। तो 2023 में भाई पूरा भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का 3D एनिमेशन भी देखने को भी नहीं मिलेगा। सिर्फ पार्ट 1 या फिर पार्ट ए ही भी देखने को मिलेगा और 2024 में भाई पार्ट बी देखने को मिलेगा। एक साल में वही पूरा काम भी खत्म नहीं होता भाई। 2 साल वही दो दो पार्ट्स के लिए वही वेट वही करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को। तो दोस्त एक तो वही क्वेश्चन की आएगा कि भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के पहले का कहानी मुंबई मूवी 2 के पहले का कहानी मुंबई गैलेक्सी सीजन 1 में तो भाई 7 कॉमिक्स के इशूज थे और थे 24 एपिसोड्स इन एनिमेशन। सो उसके बाद कहानी मुंबई मूवी 2 के बाद का कहानी मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 एज सीजन में वही कि वही 26 इशूज और 26 एपिसोड्स इन एनिमेशन दोनों वही क्यों एक ही है। बिकॉज यार मुंबई गैलेक्सी सीजन 1 का टाइम भाई मुंबई के कॉमिक्स के भाई इशूज के भाई कहानी भाई बहुत ही बड़ा बड़ा था। मीन्स 3 एपिसोड या फिर 4 एपिसोड्स की कहानी भाई एक ही इशूज में भी था। पर मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 के मीन्स मुंबई मूवी 2 के बाद के कहानी के समय भाई कॉमिक्स के भाई इशूज में भाई एक ही एपिसोड्स के भाई कहानी है। इसलिए भाई लोग एपिसोड्स और इशूज एज कॉमिक और एज एनिमेशन के भाई हर चीज़ ही वही एक है। तो निजम भाई का भी प्लान है कि भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का 3D एनिमेशन को भी बहुत ही भाई हाई क्वालिटी के बनाएंगे। हो सके तो भाई 4K तक भी ले जाएंगे भाई क्वालिटी को और भाई बहुत ही भाई महंगे एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का भाई यूज़ करेंगे निजम भैया। सो भाई पैसा भाई बहुत ही खर्चा होगा। तो तुम लोग भाई सपोर्ट भाई दिखाना अच्छे खासे तरीके से। सो अगर भाई हम लोग और भी डीप में जाते भाई हम लोग भाई देखने को मिलेगा भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 का भाई कहानी भाई बहुत ही रोमांचक या फिर इंटरेस्टिंग है। और भाई मुंबई गैलेक्सी सीजन 2 में भाई ऐसे ऐसे भाई कुछ सीन्स है जिन सब सीन्स को भाई 3D एनिमेशन में बनाने के लिए भाई बहुत ही भाई मेहनत लगेगा। लाइक
लाइक भाई ऐसे वे जंगल के सीन्स, तूफानी सीन्स, और वे सबसे वही खतरनाक होगा कि वे जब भाई बोबा गैंडर वे गैंडर गोलम को भी ले आता है और वे अटैक वगैरह वे करता है। ये वाला सीन वही 3D एनिमेशन में वही बनाना भाई बहुत ही मुश्किल होगा। निजम भाई ने बोला है कि भाई अगर वे तुम बहुत ही अच्छे खासे भी सपोर्ट दिखाते हो बोबा गैलेक्सी सीजन 2 का 3D एनिमेशन को, तो भाई बोबा का कहानी भी और भी वही लंबा होगा और वही कंटिन्यूड होगा। तो आई होप कि भाई तुम लोग भाई एनिमेशन को भाई सपोर्ट करोगे और भी अच्छे तरीके से पहले से भी ज्यादा। तो यार अब तक तो भाई मैंने बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के ऊपर भाई बहुत सारे भाई फैक्ट्स बता दिया हो, तो अब भाई कुछ भाई बोनस फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के। तो अब भाई बातें करते हैं बोनस फैक्ट्स के बारे में। तो यार बाहर भाई बहुत ही भाई नॉइज हो रहा है बिकॉज यार भाई दुर्गा पूजा है, इसलिए लोग भाई बहुत सारे भाई गाने वगैरह भाई बज रहा है, सो लोग उन सबको भाई अवॉइड कर जाना भाई। सर बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 2 में वही जो बंदा वही अपने को वही पुराने किंग वाला कुंभ के वावर जी दावा कर रहा था मीन्स गुरु घर, वो वही लगभग 500 साल पुराने बंदे मीन्स उसका एज वही 500 साल से भी ज्यादा है। तो उसके बाद वाला फैक्ट वही बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 6 में वही कुकिंग करने के वक्त कुकिंग करने के लिए वही अपने आइज और ब्लेज पावर का फ्यूजन किया था लेवल 2 में जो कि भाई फ्रॉस्ट फायर है। तो भाई तब तो भाई कोई फायरिंग नहीं हो रहा, तब भाई कुकिंग हो रहा, तो भाई कुकिंग में वही क्या वही फ्रॉस्ट फायर का वही जरूरत था। तो कभी कभार भाई फ्यूजन या फिर पावर्स वही सिर्फ फायरिंग के लिए नहीं किसी किसी एक्स्ट्रा काम में वही काम आ जाता है बिकॉज यार। तो दोनों पावर का भी इमोशन भाई बहुत ही वही चालाक या फिर चतुर है बुद्धिमान यार, इसलिए भाई लोग उन दोनों के लेवल 2 का फ्यूजन भी और भी वही चालाक होगा और बुद्धिमान भी, जिससे भाई कुकिंग में भाई आसानी होगा। और दोनों ही भाई बहुत भी स्ट्रांग है और शांत है और गुस्से भी है, जिससे भाई उसके आसपास भी आने का भी कोई भी हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहा था। और उसके हाथों के तापमात्रा या फिर टेम्परेचर की वजह से भाई खाना भाई और भी जल्दी जल्दी भाई पक जा रहा था, और उसके एक हाथों में वही फायर एनर्जी का काम कर रहा था, इसलिए वालों खाना वही बहुत ही वही जल्दी जल्दी वही गर्म हो रहा था और वे खाना बनाना भी वही बहुत ही वही आसान हो जा रहा था और जल्दी भी वही हो जा रहा था। और वो भाई फ्रॉस्ट फायर के भाई आसपास का भी टेम्परेचर भाई एक तरफ भाई गर्म और एक तरफ भाई बहुत ही भाई ठंडा भाई हो गया था, इसलिए वालों उसके आसपास भाई कोई भाई अच्छे से भाई काम नहीं कर पा रहा था, जिससे भाई वो भाई जीत जाता है भाई कुकिंग में, ड्रॉ होता है यार जीत नहीं जाता, दोनों ही भाई अच्छे खासे भाई खाना भी बनाते हैं। पर यार बोबा भाई ये भी बहुत ही भाई स्मार्ट काम करता है, सो इससे भाई ये भाई पता चल रहा है भाई बोबा भाई सिर्फ फाइटिंग में ही एक्सपर्ट नहीं है, बोबा भाई कामों में भी भाई दिमाग का भाई बहुत भाई अच्छे तरीके से यार यूज करता है फिर इस्तेमाल करता है। तो फैक्ट नंबर 3 भाई, तो थोड़ा भाई मजे कर लेते हैं यार भाई, बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 8 में भाई बहुत कुछ हो जाने के बाद भाई प्लेनेट कडुक्स पे भाई इंग और बोबॉय स्प्लिटिंग हुए हालत में थ्रोन और सोलर में डिवाइड हुए हालत में अलग टीम में वही खो जाते हैं फिर बट जाते हैं, जहाँ पे वही 3 बंदे वे रहते हैं, दोनों तो वही एक ही बंदे हैं और वही और एक तो वही एक ही बंदा है। सो यार सो इस सीन को वही बहुत वही लेजेंडरी बंदे वही बहुत ही उस लेवल का वही देखता है अपनी आंखों से। सो इस सीन को वही बहुत ही वही लेजेंडरी बोबॉय के फैंस वही बहुत ही उस लेवल के सीन की तरह वही देखते हैं, समझ लो यार। फैक्ट नंबर 4, बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 15 में वही बोबा जब गैंटर फ्यूजन करता है थंडरस्टॉर्म और क्विक का, तब भाई बोबा वही खुद ही वही कंफ्यूज रहता है कि भाई उसका भाई नाम क्या है इस पावर का, गैंटर या फिर हम्पा। हाँ यार ये भी वही बोबा गैंटर का ही एक नाम है, तो ये भाई लिटरली वही अजीब है भाई थोड़ा बहुत। फैक्ट नंबर 5, बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के बराजू एरग में मीन्स इशू 18 से लेकर इशू 22 तक वही बोबा जब अपने ब्लेज और आइज में वही डुअल स्प्लिट हो रहा था या फिर होने के वक्त वही कभी कभार वही बोबा आइज बोबा के ब्लेज के कंधे के ऊपर वही चढ़ जाता था मीन्स घोड़ा बना देता वही बोबा ब्लेज को। फैक्ट नंबर 6 यार, बोबा गैलेक्सी सीजन 2 के इशू 22 से वही शुरू होता है गुरलातन एरग, तो अब भाई हंका सा यार बोबा को ट्रेनिंग देना चाहता है अपने खुद के प्लेनेट मींस प्लेनेट कुआबा पे, क्योंकि वहाँ पे भाई हंका सा ने भाई बहुत सारे भाई ट्रेनिंग के लिए चीजों का भाई बंदोबस्त भी करके रखा था टाइम ऑफ बोबा मूव टू के ट्रेनिंग के वक्त। तो ऑचोवर्ट भी टेलीपोर्ट करता है प्लेनेट कुआबा पे उस जगह पे जहाँ पे भाई हंका सा रहता था, तो हंका सा भाई एक जगह पे भाई
क्रिस्टल के बड़े बड़े पहाड़ बना के रखते हैं। सो बोबे का यार हंका सा वही ट्रेनिंग देता है अपने किसी भी पावर के थर्ड लेवल को प्रैक्टिस करने के लिए, संभालने के लिए। तो बोबे का बोलता है अपने विंड पावर के लेवल 3 मिनट्स टेम्पेस्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। सो बोबे वही दूसरी बार वही अपने टेम्पेस्ट को वही यूज करता है लेवल 3 के। डायरेक्टली वही बोबे ट्रांसफॉर्म होता है टेम्पेस्ट में, वही बहुत ही बड़ा एक बात है यार। आखिर में वही बोबे वही किसी भी क्रिस्टल को वही तोड़ नहीं पाता थी ठीक से, और वही आखिर में जाकर भी बोबे वही खुद ही वही अपने टेम्पेस्ट को वही कंट्रोल वही नहीं कर पा के थक जाता है और नॉर्मल में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो हंका सा बोलते हैं कि भाई और भी वही ट्रेनिंग का ज़रूरत है लेवल 3 को संभालने के लिए और झेलने के लिए। फैक्ट नंबर 7 यार, ऑकवर्ड सीट से वही ऑकवर्ड पेयर वही हो चुका है पास बोट के द्वारा इशू 22 तक बोबे गैलेक्सी सीजन 2 के। चांस है यार एंडिंग ऑफ बोबे गैलेक्सी सीजन 2 मींस इशू 26 तक यार बोबे अपने लीव पावर के लेवल 3 मींस डार्क गुड में वही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, संभल पाएगा तो या फिर झेल पाएगा तो। तो वेट करते हैं एंडिंग फॉर बोबे गैलेक्सी सीजन 2। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।